यह सर्वविदित है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के बिना जीवन की कल्पना करना कोरी बेमानी है। यही नहीं, मनुष्य के जीवन में सांस लेने जैसी सामान्य समझी जाने वाली क्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस सांस में ऐसे अनेक राज छिपे हैं जिनका राज स्वास्थ्य विशेषज्ञ आज भी ढूंढने में मशगूल हैं। हालांकि योग क्रिया में सांस लेना सबसे अहम है क्योंकि इसमें कई रहस्य छिपे होते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों की राय यही है कि जब आप खुश होकर सांस लेंगे तो आत्मविस्तार महसूस करेंगे, लेकिन यदि दुखी होकर सांस लेंगे तो कुछ सिकुड़ता हुआ महसूस करेंगे। इस प्रकार शरीर की 90% अशुद्धियां सांस से ही निकलती है, जबकि यह क्रिया स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु भी बेहद अनिवार्य है। दरअसल सांस लेने छोड़ने की क्रिया आत्मा, मस्तिष्क और शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय योग द्वारा ध्यान लगाकर सांस लें और छोड़ें। इस तरह के लगातार अभ्यास से स्वयं को तनाव रहित महसूस करने के अतिरिक्त शरीर विभिन्न क्रियाकलापों से आई थकान, परेशानी आदि से भी मुक्त होकर तरोताजा होने के बाद अनूठी शक्ति और स्फूर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। हम यहाँ बता दें कि थकान और कमजोर होती स्मरण शक्ति से परेशान लोग अक्सर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अपनाकर काफी लाभ अर्जित कर सकते हैं। जहाँ सांस लेने का सही तरीका अपनाकर हम अनेक परेशानियों से छुटकारा पा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शरीर तन मन से पूरी तरह स्वस्थ रहता है। और तो और, क्रोध को भी सांस लेने छोड़ने जैसी क्रिया से नियंत्रित किया जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार क्रोध आने की स्थिति में कुछ पल के लिए सांस को रोककर पुनः छोड़ने से काफी आराम मिलता है। इतना ही नहीं, तनाव होने पर कुर्सी पर सीधे बैठकर गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, तनाव घटने लगता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया भजन और गीत गाने वाले के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। इससे प्राय तनाव कोसों दूर रहता है और साइनस जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक गाते समय छोड़ी जाने वाली सांस में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा सामान्य से लगभग 15 गुना अधिक तक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप लोगों की वाणी अधिक लयबद्ध हो जाती है। इसी बीच यदि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो मस्तिष्क को भी पर्याप्त मात्रा में आराम पहुँचता है। परंतु ध्यान केंद्रित करते हुए 15 मिनट का अल्प समय अवश्य निकालें। ध्यान रखें कि इस दौरान कोई जल्दबाजी न हो और ध्यान में बैठने के दौरान अपने मस्तिष्क में क्रोध को जगह न बनाने दें तो ही उत्तम होगा। साथ ही सांस जितनी गहरी ले सकें उतनी गहरी सांस लें, पर धीरे धीरे, तभी आप सांस में छिपे अनगिनत रहस्यों को भली भांति जान सकते हैं। क्योंकि सांस लेने छोड़ने की क्रिया न सिर्फ एक अच्छा व्यायाम है बल्कि यह जीवन जीने की एक अनूठी कला भी है। इसीलिए आज की भागम भाग व्यस्त जीवन शैली में क्रोध, चिड़चिड़ापन, निराश, बात बात पर खींचना, अवसाद आदि रोगों से ग्रसित लोगों द्वारा अपनी इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष रूप से सांस लेने और छोड़ने की लयबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण करके लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।